दर्शकों नमस्कार। प्राइम टाइम इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। इस समय में प्राइम टाइम इस कार्यक्रम में इनबीसन के स्टूडियो में आई हुए एक ऐसी शख्सियत जिन्हें किसी वे परिचय के मोहताज हैं, फिर भी ये हमारा कर्तव्य है, ये हमारा दायित्व है कि हमारे यहाँ आए हुए हर मेहमान का हम इंट्रोडक्शन करवा देते हैं। दर्शकों आप देख रहे हो स्क्रीन पर इस समय हमारे साथ में डॉक्टर रिचा जैन। मैं रिचा मैम के बारे में यही बता देना चाहता हूँ कि रिचा मैम आप जो है जनरल सेक्रेटरी महाराष्ट्र प्रदेश महिला कांग्रेस से जुड़ी हुई हो और साथ ही साथ जो एक पुलक चेतना मंच महिला शाखा के आप राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हो, कार्य अध्यक्ष भी आप हो और कई ऐसे सामाजिक कार्यों से जुड़े हुए हैं आप, और आपके बारे में आपका एक बहुत बड़ा क्लिनिक भी है और सामाजिक कार्य में आप बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती हो। लेकिन आए दिन कार्यक्रम शुरू करने से पहले हमारा आज का विषय कोरोना वायरस, लेकिन मैं कार्यक्रम की शुरुआत में आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं और बढ़ते हैं अपने प्रोग्राम की ओर। मैम मुझे ये पता है कि जिस तरह से कोरोना वायरस का ये जो बवंडर जो मचा हुआ है, एक दहशत सी जो फैली हुई है, आखिरकार ये कोरोना क्या लगता है आपको, कहाँ से आया होगा? कोरोना वायरस का एक्चुअली हम डीप यदि इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो ये माना जाता है कि लगभग दिसंबर में कोरोना वायरस चीन में आ चुका था। वहाँ के डॉक्टर्स ने ये इन्वेस्टिगेशन कर लिया था और हमने भी नागपुर में एक एप्लीकेशन यहाँ पे कलेक्टर को दिया हुआ था कि कोरोना वायरस पूरे वर्ल्ड में फैल सकता है, आप मास्क की बिक्री पर रोक लगवाइए जिससे कि ये वायरस आगे नहीं फैल पाए। तो मेरा ये मानना है कि ये दिसंबर में चाइना में सबसे पहले न्यूज़ चैनल्स ने इसको प्रकाशित किया हुआ है, तो ये चाइना से आया हुआ वायरस है। बिल्कुल, जिस प्रकार की आशंका जताई जा रही है, जैसे कि अमेरिका का डोनाल्ड ट्रंप, इनका भी ये मानना है कि चाइना का जो वुहान है, वुहान से ही ये कोरोना वायरस की उत्पत्ति जो हुई है, इसका जो जन्म हुआ वो वहीं से ये वायरस आया हुआ है, इस प्रकार की जानकारी इस समय में डॉक्टर रिचा जैन इन्होंने दी है। रिचा जी, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि कोरोना वायरस को आप किस दृष्टि से देखते हो? आज यदि मैं विश्व लेवल पर बात करती हूँ तो हमेशा ये देखा जाता है कि यदि कोई प्राकृतिक आपदा आती है तो वो एक लोकेलिटी पे होती है। जैसे यदि लास्ट ईयर हम केदारनाथ की बात करें तो बहुत बाढ़ आई वहाँ पर उससे नुकसान केवल उस एरिया में किलोमीटर्स के अंदर ही हुआ। सुमानी यदि हम देखते हैं, यदि कभी सुमानी आती है तो भी ये माना जाता है कि जहाँ जहाँ तक सुमानी आती है उतने किलोमीटर का ही नुकसान होता है। और यदि हम कोई और बीमारी की भी बात करते हैं तो वो ऐसा होता है कि वह आपदा केवल उस स्टेट तक रहती है या उस जगह तक रहती है या उस कंट्री तक रहती है। पर ये बहुत सोचनीय विषय है कि एक ऐसा वायरस जो स्प्रेड हुआ, मैं अपनी पूरी लाइफ में पहली बार ये देख रही हूँ कि एक ऐसा वायरस स्प्रेड हुआ जो वायरस केवल एक देश तक नहीं अपूता पूरा विश्व में इसका इफेक्ट पड़ रहा है। और पूरे विश्व में आज जैसे टीवी चैनल के मार्फत से हम ये देख रहे हैं कि बहुत बड़ा एक इकोनॉमिक लॉस भी हो रहा है और बहुत बड़ी क्षति नागरिक की हो रही है, और हजारों की तादाद में ये देखा जा रहा है कि व्यक्ति इससे ग्रस्त हो रहा है और उसके बाद आज डेथ होती चली जा रही है। तो ये मैं ये मानती हूँ एक बहुत बड़ी नेचुरल क्लाइमेट से जो पूरे विश्व में एक साथ हो रहा है, और हम सब काफ़ी प्रिकॉशन का एडवाइस तो दे रहे हैं पर मैं ये नहीं मानती कि केवल वह प्रिकॉशन लेने से हम इस बीमारी से बच सकेंगे। बिल्कुल, जिस प्रकार इन्होंने पूरे विश्व की बात की तो मैं आपको एक आंकड़ा बता दूं मेरे दर्शकों कि 147,214 ऐसे कोरोना वायरस से संदिग्ध जो मिले हैं जिनके ऊपर में इलाज जारी है। जैसे कि हम देखते हैं कि भारत सरकार की यदि बात किया जाए तो जो जीडीपी जो होती है, जीडीपी का जो एक रेश जो होता है आए दिन वो गिरता हुआ नज़र आ रहा है। सेंसेक्स भी उसके ठीक पीछे भी चल रहा है, वो भी गिरता हुआ नज़र आ रहा है। मैम आपको कहीं ये लग रहा है कि कोरोना वायरस ये जो है ये अपने देश के आर्थिक स्थिति या पूरे विश्व की जो आर्थिक स्थिति पर एक बहुत बड़ी मार मार रहा है? देखिए, ये मैं ज़रूर यहाँ पर बहुत गहन चिंतन की ज़रूरत है, केवल हमें नहीं पूरे सरकार को, इवन संपूर्ण विश्व में जितने भी प्रेसिडेंट हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, उनको भी एक गहन चिंतन की आवश्यकता है क्योंकि आज तक ऐसी कोई भी चीज़ इस भारत देश में या पूरे विश्व में नहीं आई जो जिसने पूरे विश्व को हिला के रख दिया। आज जिस तरह से हमने कल देखा कि काफ़ी सारी कंट्रियों में आज ये माना जा रहा है कि पूरे मल्टीप्लेक्स बंद किए जा रहे हैं, आज जितने भी पब्लिक प्रोग्राम होने वाले थे वह सारे पब्लिक प्रोग्राम बंद किए जा रहे हैं, स्कूल्स बंद किए जा रहे हैं, कॉलेज बंद किए जा रहे हैं, मॉल्स बंद किए जा रहे हैं। यदि ये स्थिति को हम गहन चिंतन करते हैं तो कभी ये सोच के देखिए कि आप ये जो कोरोना वायरस है
ये तीसरे विश्व युद्ध जैसा एक वायरस इस पृथ्वी पर आया है। आप यदि इसका गहन चिंतन करेंगे तो हम समझ पाएंगे कि आज ऐसी स्थिति कभी भी नहीं आई थी। हम हमेशा सपोर्ट करते हैं कि भारत यदि सक्सेस अचीव करेगा तो तब कब करेगा, जब हम अपनी वस्तु को एक्सपोर्ट कर पाएंगे और बहुत सारी चीज़ हम बाहर के देश से इम्पोर्ट कर पाएंगे। पर ये वायरस ने केवल व्यक्ति विशेष पे आंकड़े पे नहीं, किसी के हेल्थ पे अकेली यदि ये वायरस स्प्रेड होता था तो ये बहुत कम बात होती थी, पर एक ऐसी बात हो गई कि यदि आप इस टेबल पर बैठे हैं और यदि आप इस टेबल को छी लेते हैं तो आपका वायरस उस टेबल पर चला गया। एयरपोर्ट में, फ्लाइट में, जिसमें जिस कुर्सी पर आप बैठे हैं उस कुर्सी पर यदि कोई दूसरा मरीज आके बैठता है तो ऑटोमेटिक आपको वो वायरस लगता है। तो कभी ऐसी स्थिति पूरे विश्व में नहीं आई कि हजारों के तादाद में फ्लाइट खड़ी हो गई हैं, ट्रेवल एजेंसी जीरो हो गई है, ट्रेवल टूर्स आज कैंसिलेशन प्रोसेस पे सारे टूर्स चल रहे हैं। तो ये स्थिति यदि मैं देखने की बात करूँगी तो एक गहन चिंतन की ज़रूरत है कि आर्थिक मंदी हम कहाँ तक इसको फेस करेंगे। यदि पूरे टूर बंद हो जाएंगे तो इंटरनेशनल एजुकेशन बंद हो जाएगी, हमारे जो भारत के बच्चे हैं जो विदेश में पढ़ना जाने की सोच रहे हैं उनके विदेश के टूर कैंसिल हो जाएंगे, और इसके साथ में इकोनॉमी जो इंडिया बिगड़ेगी कि आज हम जो चीज़ एक्सपोर्ट करते थे, बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग में ज़रूरत होती है कि हर चीज़ भारत में उपलब्ध नहीं है। आज हम यदि मानते हैं कि 30-40% हम इम्पोर्ट पर डिपेंडेंट थे, यदि इम्पोर्ट थोड़े दिन के लिए भी बंद होता है तो आप ये मान के चलिए कि कितनी बड़ी आर्थिक अर्थव्यवस्था हिलने वाली है। तो ये गहन बहुत चिंतन का विषय है, क्योंकि बहुत सारी दवाइयाँ भी फॉरेन से आती हैं, बहुत सारी दवाइयाँ एक्सपोर्ट भी यहाँ से होती हैं, इवन फ्रूट, सब्जी, गेहूँ, अनाज की यदि मैं बात करती हूँ तो यहाँ से बहुत सारा अनाज भी एक्सपोर्ट होता था, तो किसान पे भी इसकी मार पड़ने वाली है। हर व्यक्ति इस सेक्टर से, आज जैसे कल यदि मैं महाराष्ट्र की बात करती हूँ तो महाराष्ट्र में हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने भी ये घोषणा कर दी है कि सारे मॉल्स बंद करेंगे। आप बताइए, एक दिन जब मॉल बंद होता है तो करोड़ों का टर्नओवर पे इफेक्ट पड़ता है, तो 30 तारीख तक यदि मॉल बंद रहेंगे, 30 तारीख तक यदि ट्रेडर बंद रहेंगे तो एम्प्लॉय को पेमेंट्स कहाँ से मिलेंगे, अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट हो जाएगा। और जो ऑनर्स हैं, धीरे धीरे जिस तरह से हम देख रहे हैं कि आज यस बैंक का हमारे सामने एक है, यश बैंक आर्थिक मंदी से गुजरते हुए उन्होंने अपने आप को दिवालिया घोषित किया है। जी जी। इस तरह से ये एक स्थिति बन जाएगी कि बहुत बड़े बड़े व्यापारी, बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन फाइनेंशियल क्राइसिस में आ जाएंगे और वह इसको सफर करना बहुत हार्ड स्टेज हो जाएगी। तो सरकार को इस बारे में बहुत गहन चिंतन करने की आवश्यकता है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात किया है डॉक्टर ऋचा जैन, इन्होंने कि सरकार को अपना अध्ययन करना होगा, एक इस विषय को लेकर गहन इनका चिंतन करना होगा, अपने आप में झांकना होगा, हमारे देश की स्थिति, हमारा देश किस कदर, किस डगर से चल रहा है, कौन से मोड़ से चल रहा है, इसका भी हमें सोचना होगा। और जहाँ इकोनॉमी की बात किया है, काफ़ी अच्छी जैन मैम ने जानकारी दी कि आए दिन जिस प्रकार से जीडीपी हो या सेंसेक्स हो, इसको लेके भारत सरकार की जो एक आर्थिक जो प्रणाली थी वो कहीं ना कहीं डगमगाती हुई नज़र आ रही है। इस पर भारत सरकार ने ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी है। और जिस प्रकार से कोरोना वायरस अपने आप में एक है, जो एक दहशत का जो माहौल है, लोग तो कुछ ऐसे भी बात करने से नहीं झिझकते मैम कि ये जो चमगादड़ जो एक छोटा सा एक प्राणी होता है उससे कोरोना वायरस हुआ है, क्या आपको लगता है? देखिए, जिस तरह के वीडियो वायरल हो रहे हैं और वीडियो को यदि हम देख रहे हैं तो इनिशियल स्टेज पे यही पाया गया है कि कुछ लोग जहां से ये वायरस बना है उस वायरस में चमगादड़ का सूप वो लोग इंटेक करते थे और चमगादड़ के सूप के वजह से ये वायरस, क्योंकि आज एक बहुत लंबी रिसर्च यदि मैं बात करती हूँ चाइना में चमगादड़ के ऊपर पहले ही चल रही थी और अचानक जब उनको वायरस डिटेक्ट हुआ तो यदि वो वायरस को यदि वही एक ब्लम लगा दिया जाता था और एक्सपोर्ट यदि उसी टाइम रोका जाता था और उसी टाइम यदि सारी फैसिलिटीज बंद कर दी जाती थी तो मैं ये मानती हूँ कि ये वायरस को पूरे पूरे विश्व में फैलने से रोका जा सकता था। बिल्कुल, मगर ये संभव नहीं हो पा और कुछ भी ऐसा नामुमकिन है, नामुमकिन को मुमकिन बनाने ये हम लोगों का काम है। और हो सकता है कि कोरोना वायरस को बहुत जल्द कुछ उसके ऊपर भी ऐसा कुछ मेडिसिन निकले कि कोरोना वायरस का नामोनिशान इस दुनिया में नहीं होगा। दर्शकों, प्राइम टाइम में इस समय में वक्त हो चला एक ब्रेक का, मिलते हैं इस अंतराल के बाद। 24 घंटे न्यूज देखने के लिए डाउनलोड करें हमारा ऐप मोबाइल में।
24 घंटे आपको मिलेगी राजनीति, क्राइम, बॉलीवुड, स्पोर्ट्स और मौसम समेत देश विदेश की तमाम खबरें। प्ले स्टोर पर जाकर ताज़ा खबरों के लिए इंस्टॉल करें इनबीसीएन न्यूज ऐप। इंस्टॉल द ऐप नाउ इनबीसीएन न्यूज। दर्शकों, ब्रेक के बाद फिर से एक बार प्राइम टाइम में आप सभी का स्वागत है। जिन्होंने अभी भी अपने टीवी सेट शुरू किए उनके लिए मैं बता दूं कि आज के प्राइम टाइम इस कार्यक्रम के हमारे मेहमान हैं डॉक्टर ऋचा जैन। डॉक्टर ऋचा जैन जी आज कोरोना वायरस इस विषय को लेकर चर्चा करने आज हमारे स्टूडियो में आई हुई है। ब्रेक पर जाने से पहले हमने कोरोना वायरस को लेके तमाम बातों के ऊपर में उनसे बातचीत की। ब्रेक के बाद हम आपका भी स्वागत करते हैं, मैम आपका भी स्वागत करते हैं। जैसे कोरोना वायरस को लेके हमने तरह तरह की बातें की, अपना जो एक जो बातचीत थी वो दर्शकों के सामने रखा। मैम, सबसे महत्वपूर्ण एक विषय आता है कि कोरोना वायरस से हम अपने आप को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं। कोरोना वायरस से जिस तरह से आज सभी डॉक्टर्स की गाइडलाइन आ रही हैं, IMA की गाइडलाइन आ रही है, भारत सरकार की गाइडलाइन आ रही है, सबसे पहले अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए हम अपने हाथों को बार बार वॉश करें। हम कोई भी कार्य करते हैं उसके थोड़ी देर बाद आप साबुन से या लिक्विड सोप से अपने हैंड को वॉश करते चले जाएं। दूसरा, आप यदि किसी को यदि सर्दी है, खांसी है, तो उसको निग्लिजेंसी नहीं करें, उसको तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें। आप एक नॉर्मल चेकअप बेसिक डॉक्टर से अपना किसी फिजिशियन से या फिर आप किसी भी ENT डॉक्टर से करा लें, पर उसके बाद भी यदि आपको ऐसा लगता है कि डॉक्टर यदि कंक्लूजन देते हैं तो अपने टेस्ट कराने से पीछे नहीं हटें, क्योंकि टेस्ट कराने से आपकी पॉजिटिविटी और निगेटिव आपकी डिसीज़ का बहुत अच्छा फाइंडिंग होता है। साथ में यदि आपको सामने वालों को यदि किसी को सर्दी खांसी है और तो आप ये ध्यान रखें कि आप मास्क हमेशा अपने साथ रखें। जब भी आपको ऐसा लगता है कि आपको कभी खांसी आ रही तो या तो माउथ को साइड करके आप इस तरह से खांसे और हाथ के सामने रुमाल आप कुछ कपड़ा ले लें जिससे आपके बैक्टीरिया किसी दूसरे पर्सन को नहीं लगे, वो प्रिकॉशन रखना बहुत ज़रूरी है। साथ में अवॉइड करें यदि जितना ट्रेवल आप प्लान कर रहे हो, यदि वो ट्रेवल आपके लिए आपके करियर के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है तो आप जितना ट्रेवल कम कर सकते हैं अपने ट्रेवल को आप अवॉइड करें। साथ ही ये प्रिकॉशन रखें कि आप बाहर का फूड इनटेक कम कर दें, जितना फूड आप अपने घर का प्रिपेयर करके जितना अच्छा फूड ले सकते हैं वह फूड आप प्रिपेयर करें जिससे किसी और का वायरस आपको नहीं लगे। साथ में आपको अपनी डेली की नीड्स, यदि आप क्लॉथ कभी दो दिन पहनते हैं तो वो भी आप बिल्कुल चेंज कर दें। आपको क्लॉथ रेगुलर अपने वॉश किए हुए चेंज क्लॉथ पहने, जिस बेडशीट पे आप स्लिप करते हैं अपने बेडशीट, अपने रूम्स, अपने घर, अपने ऑफिसेस की क्लीनिंग की बहुत ध्यान रखें, क्योंकि इससे घबराना नहीं है। हम इंडिया में बहुत सारे प्रिकॉशन इसके लिए लिए जा रहे हैं, कुछ होम्योपैथिक की दवाइयाँ भी इम्यून फंक्शन को बूस्ट करने के लिए हमने भी बांटी हैं और काफ़ी हम अपने क्लिनिक से सभी पेशेंट को डिस्ट्रीब्यूट भी कर रहे हैं। इसी के साथ में जैसे नोनी जूस, वो भी बहुत अच्छा अल्टरनेट है हमारी बॉडी को एंटीऑक्सीडेशन करने के लिए, च्यवनप्राश, जितने भी प्रोडक्ट एंटी इम्यूनिटी सिस्टम के लिए होते हैं वह सारे प्रोडक्ट का हम इंटेक बढ़ा दें। और एक रिसर्च बहुत अच्छी आई हुई है, हम तो नागपुर में संतरा के शहर में रहते हैं, तो इंटेक विटामिन सी, जिसमें संतरा में बहुत अच्छा विटामिन सी पाया जाता है, तो ऑरेंजेस और विटामिन सी की टैबलेट्स का आप इंटेक बढ़ा सकते हैं, उससे भी हम अपने आप को अपने इम्यून सिस्टम को बूस्ट कर सकते हैं। वाटर इंटेक बढ़ाइए, हॉट वाटर थोड़ा सा यदि मॉर्निंग आवर्स में हम लेते हैं तो बैक्टीरिया हमारी बॉडी में बहुत जल्दी नहीं होता और जो कफ और बलगम यदि डिपॉजिट होता है तो वो भी वॉश होके रिंस आउट होता है। तो ऐसे बहुत सारे प्रिकॉशन हैं जिनको लेके हम अपनी इम्यून को बूस्ट कर सकते हैं। पर अक्सर ये देखा जा रहा है कि जिनकी 60+ एज है, 60+ एज में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है कि हम अपना ख्याल तो रख लेते हैं पर अपने बुजुर्ग का ख्याल अपने से ज़्यादा रखें। यदि उनको सर्दी खांसी है तो तुरंत उनको एंटीबायोटिक दे दें और तुरंत उनको उसका प्रिकॉशन लेने के लिए बोले और उनको मास्क उनके लिए ज़्यादा प्रेफरेबल है। जिनको सर्दी खांसी है तो उनके स्प्रेड दूसरों को नहीं हो, और यदि आपको फीवर है तो निग्लिजेंसी नहीं करें, तुरंत अपने फिजिशियन से कंसल्ट करें। काफ़ी अच्छी जानकारी आपने दिया और दर्शकों, जिस प्रकार से मैडम ने आज जो बात कही है, क्योंकि जैसे सर्दी जुकाम या खांसी हमें होती है तो हम अक्सर उसको बड़े हल्के में लेते हैं, अब हल्के में लेने वाली बात नहीं रही। अगर किसी को खांसी या जुकाम हो, अगर उसको छींक भी आती है तो एक साइड मुंह करके वो छींक सकता है, चाहे फिर इस प्रकार के आप मास्क का भी यूज़ कर सकते हो या आपके पास जो हैंडकरचीफ होता है जिसे रुमाल भी कहते हैं, रुमाल भी लगा सकते हो, क्योंकि हमारे में से जो एक टॉक्सिन्स या हमारे में से कुछ उसके जो जर्म्स जो निकलते हैं वो ज़्यादा स्प्रेड नहीं होना चाहिए और लोगों के उनके जो
उनका जो रेस्पिरेशन जो रहता है उनमें वो प्रभावित न हो, इसलिए हमने प्रिकॉशन लेना चाहिए, इस प्रकार की उन्होंने जानकारी दी है। और दर्शकों मैं अभी भी जिन्होंने एक बात आपको भी बता दूं कि नागपुर में कोरोना वायरस के अब तक के 3 मरीज मिल चुके हैं जिनका इलाज जारी है और मरीजों का आंकड़ा बढ़ने की आशंकाएं जताई जा रही है। नागपुर का एयरपोर्ट और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर हवाई अड्डे पर भी प्रतिदिन वहां पे स्क्रीनिंग जो है मैम एनएमसी की ओर से किया जा रहा है। इतना नहीं तो मध्य रेल का जो अस्पताल है वहाँ भी पूरा चाक चौबन पूरा पूरी तरह से तैयार है। यदि कर्मचारी हो या कोई सफर का यात्री हो अगर उन्हें कुछ इस प्रकार की संदिग्धता मिलती है कोरोना वायरस को लेकर तो उन्हें तात्काल इलाज के लिए वहाँ भर्ती करने के लिए काफ़ी उनकी तैयारी है। इतना ही नहीं तो नागपुर का जो मेडिकल अस्पताल है हमने डीन से उस दिन सजल मित्रा से बात किया तो वो हमें स्वयं हमारी इनविजन टीम को लेके गए और जिस प्रकार से उन्होंने वहाँ का जो कामकाज जो बताया वो अपने आप में कहने का मतलब कि कोरोना वायरस को लेकर महाराष्ट्र सरकार द्वारा जो दिशा निर्देश दिए गए उसका पूरा पालन किया जा रहा है और कोरोना वायरस हमारी ओर भटक भी नहीं सकता बशर्ते हमें पूरा स्वच्छता रखना होगा हमारा और आपका और हमारे आजू बगल आजू बाजू वाले का सबका ध्यान रखने को ना। यदि हम मजबूत हमारा शरीर मजबूत तो हमारा देश मजबूत हो सकता है। कोरोना वायरस इस प्राइम टाइम कार्यक्रम में आज डॉक्टर ऋचा जैन समय पे समय निकाल के आए इसलिए मैं फिर से एक बार इन विषय के तमाम दर्शकों की ओर से आपका ढेर सारा शुक्रिया अदा करता हूँ। तो दर्शकों प्राइम टाइम में आप थे हमारी मेहमान डॉक्टर ऋचा जैन, अगली बार फिर किसी और विषय को लेके फिर ऐसे शख्सियत को हम आपके सामने में पेश करेंगे। तब तक दीजिए हमें इजाज़त और आप देखते रहिए आपका अपना पसंदीदा प्रोग्राम प्राइम टाइम नागपुर। नमस्कार।